जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मोबाइल फोन खरीदना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा मोबाइल फोन खरीदूं, तो आज की वीडियो में आपको चार मोबाइल फोन सजेस्ट करता हूं। मगर उससे पहले बात करेंगे अपने एक व्यूअर की, अग्रिम साहू नाम से। इन्होंने कुछ फोटो शेयर किए हैं, इन्होंने अपडेट किया अपना मोबाइल फोन और एक वीडियो भी इन्होंने शेयर किया, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। इनके पास है रेडमी का K50i। तो ये जान लीजिए, इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगी हुई है। ये प्रॉब्लम अग्रिम साहू जी बता रहे हैं कि, और अग्रिम साहू जी ने बताई है अपडेट करने के बाद ये प्रॉब्लम आई है। तो क्या ऐसा भी हो जाता है अपडेट करने के बाद? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो ग्राफिक आईसी होती है ना, जीपीयू जिसे हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए मोबाइल फोन हमारा थोड़ा सा मॉइस्चर के समय में चल रहा है, जिस वक्त मॉइस्चर का मौसम चल रहा है ना, मई जून जुलाई अगस्त, इसमें क्या होता है हमारे मोबाइल फोन के अंदर है ना मॉइस्चर होता है, और उस कंडीशन में है ना हम अगर हैवी गेमिंग कर लेते हैं या फिर अपडेट कर लेते हैं, अपडेट जब देती है ना कंपनी तो पूरे मोबाइल फोन के लिए देती है, तो सीपीयू जीपीयू सबके लिए अपडेट आता है। बात जीपीयू को पसंद नहीं आएगी ना, तो वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, उसकी वजह से वो डिस्प्ले को खराब ग्राफिक्स प्रदान कर देगा, उसकी वजह से आपके फोन की डिस्प्ले में या तो लाइनें आ सकती हैं या फिर डिस्प्ले खराब भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम एक वजह से और होती है। देखिए, हम हार्डवेयर रिपेयर करते हैं इसलिए हमें पता है, ये प्रॉब्लम एक वजह से और होती है। आप कभी भी अपने मोबाइल फोन को तकिए के नीचे रख के मत सोना है ना, या फिर अगर आप कोई लंबा सफर कर रहे हैं गाड़ी में या फिर बस में, तो अगर टाइट आपने पैंट कोई पहन रखी है तो फिर उसमें तो टाइट जेब में रख के नहीं बैठना उसको, या तो डैशबोर्ड पर रख दीजिए या फिर अलग से हाथ में पकड़ लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एलसीडी जो होती है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये दबी रहेगी ना तो इसमें कलर फेड हो जाते हैं, आपस में चिपक जाएगा टच, उस बीच में होता ओसीए, उसके बाद डिस्प्ले, ये दब जाती है और डिस्प्ले के कलर खराब हो जाते हैं एलसीडी के, ठीक है। और अगर एमोलेड डिस्प्ले आपके पास, तो फिर उसमें लाइन आने का खतरा बना। तो इन भाई को मैं कहना चाहूंगा, भाई आप अपनी डिस्प्ले चेंज कराइए। आपने मेल में लिखा है कि 6,000 रुपए सर्विस सेंटर वाले मांग रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा 6,000 रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 700 रुपए की डिस्प्ले इसकी मार्केट में आती है, 200-300 रुपए को लगाने वाला ले लेगा मार्केट में, आप बाहर से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही बन जाता है कि देखिए, ये फोन 26,000 रुपए के आसपास है आज के टाइम पे। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस फोन को, क्योंकि कुछ बंदे अगर ये सोच रहे हो ना कि भाई हम तुक्का भेड़ देते हैं कि कोई सा भी मोबाइल फोन खरीद लो, किसी का भी नाम लिख के दे देते हैं, नहीं भाई, ये जितने भी मॉडल मैं आपको खरीदने के लिए बोलता हूँ ना, ये रिसर्च होती है भाई मेरी, क्योंकि हमारे हाथ से गुजरे हुए होते हैं फोन, रिपेयर करके गुजरे हुए होते हैं फोन, हमें पता होता है कौन से पार्ट्स कंपनी ने सही तरीके से लगा कर दिए हैं और डिस्प्ले किसमें सही लगाई है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा, रेडमी K50i बिल्कुल नहीं खरीदना, 26,000 रुपए में कोई मतलब नहीं बनता ये वाला फोन खरीदने का। ये फोन ज्यादा से ज्यादा है ना 13-14 हजार रुपए तक का है, इससे ज्यादा की इसकी नहीं है, तो ये फोन तो आपको खरीदना ही नहीं। अब आपको कौन से फोन खरीदने हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। और अग्रिम साहू जी के लिए भाई सैडली मुझे बोलना पड़ रहा है कि आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले ही चेंज होगी, रेडमी के सर्विस सेंटर वाले डिस्प्ले चेंज नहीं करते कभी भी, लाइन आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए वो नहीं करेंगे। वन प्लस वालों ने थोड़ी सी पहल दिखाई थी, मगर उन लोगों ने भी अब इतनी सारी कंडीशन रख दिया कि अब ठीक कराना मुश्किल सा हो रखा है, क्योंकि वो कहते हैं स्क्रैच नहीं होनी चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, पानी में नहीं गिरा होना चाहिए, जब जाके हम लाइन ठीक करेंगे, तो ये कंडीशन वन प्लस ने रख दी है। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं मोटोरोला की तरफ। अगर आपको मोटोरोला का फोन पसंद है तो मोटोरोला H50 Fusion ले लीजिए, सेल में अगर ये 20,000 तक का भी आपको मिल जाता है तो ले लीजिए, कैमरा परस्पेक्टिव से काफी बढ़िया, बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इस फोन को खरीद लो तो इसके जो कैमरा ग्लास पीछे दे रखे ना कंपनी ने, मोटोरोला वालों को भी बोलना चाहूंगा, अगर देख रहे हैं भाई अपने फोन के डब्बे के अंदर है ना कैमरा प्रोटेक्शन ग्लास जरूर दिया करो, गोल गोल छल्ले से होते हैं, आईफोन के दिखा दूंगा आपको मैं साइड में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो वो दे दिया करो भाई, आपका फोन जो बंदा 1 साल चलाता है वो 3-4 साल चला लेगा आराम से, इस चीज का ध्यान रखो भाई, स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ रही है आपके कैमरे ग्लास पे, बाकी फोन बढ़िया, फोन में कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज, ये कर्व डिस्प्ले वाला फोन है भाई, कर्व डिस्प्ले भाई एक बार टूट जाती है फिर डिस्प्ले महंगी आती है, इस चीज का ध्यान रखना, देखने में खूबसूरत है बाकी गेमिंग वगैरह का एक्सपीरियंस इसमें सही से नहीं ले सकते आप, क्योंकि कर्व डिस्प्ले वाले फोन में आप सही तरीके से गेमिंग नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे आपको बताता हूँ स्टूडेंट के लिए मोबाइल फोन, काफी स्टूडेंट कमेंट करके बताते हैं पढ़ाई के लिए फोन चाहिए, मेरे को कोई बढ़िया फोन सजेस्ट करो। हमारे स्टूडेंट के लिए ना सबसे अच्छा फोन तो वो रहेगा जिसमें सॉफ्टवेयर ज्यादा ना हो, क्लीन UI हो, एड ना आती हो किसी तरीके की, वो वाला फोन सजेस्ट करता हूँ। आप ले लीजिए Nothing 2A, जो बंदा कहता है ना इसके बारे में कि ये बेकार है बेकार है, भाई उसे बोलने दो, आपको अगर फोन खरीदना है तो Nothing का फोन ले लो, चाहे 2 ले लो चाहे 2A ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्योंकि हमारे पास मोबाइल रिपेयर कराने के लिए आते रहते हैं बंदे, भाई Nothing के फोन है ना बहुत कम आते हैं हमारे पास रिपेयर होने के लिए, अगर कोई आता भी है ना तो वो दूसरा फोन ठीक कराने आता है, Nothing का फोन साथ में चला रहा होता है, और उसके जो रिव्यू बताता है ना वो भाई जबरदस्त होते हैं। एक साफ सुथरा फोन अगर आपको चाहिए पढ़ाई के तौर पे, अगर आप लेना चाहें तो आप Nothing का फोन सर्च, बाकी इसमें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है भाई, बड़ा फास्ट चलता है, मजा आ जाएगा इस फोन को यूज करके देखो। उसके बाद आता है हमारा गेमर्स भाइयों के लिए Poco X6 Pro ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, काफी बंदों ने पूछा भाई मैं लेना चाहता हूँ, अगर आपका दिल आ ही रहा है Poco X6 Pro पे तो ले लीजिए, मगर एक कुछ कंडीशन का ध्यान रखना मेरी तरफ से, AC के अंदर बैठ के खेलना, किचन वगैरह में जब कभी भाप उड़ रही हो ना, कहने का मतलब मॉइस्चर जिस जगह पे हो ना उस जगह फोन को यूज मत करना, ठीक है।
पोको के मदरबोर्ड डेड हो जाते हैं, ये ज्यादातर डेड होते हैं मॉइस्चर की वजह से। हम रिपेयर करते हैं, हमें पता होता है जब हम हीटिंग करते हैं ना उसके मदरबोर्ड पे, तो उसमें जो भाप निकलते हैं वो हमें ही पता होता है, ठीक है। और हाँ एक बात तो बोलना भूल ही गया यार, चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई, वो नीचे एक ब्लैक बटन है उस पर लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसे दबाया भी तो करो। 1/3% वीडियोस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको वैल्यू लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। चौथे नंबर पे आपको बताता हूँ वन प्लस के बारे में। वन प्लस बारे में तो बोलना चाहूंगा, वन प्लस के फोन अभी के टाइम पे खरीदो ही मत आप। वन प्लस लाइट तो बिल्कुल मत खरीदना। प्लस लाइट किसे बोलते हैं? देखो देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाऊं तो, कि हलवाई ने मिठाई बनाई और उसके बाद जो उसने मिठाई कट करने के बाद जो वेस्ट बच गया ना, वेस्ट नहीं कहेंगे उसको, होती वो भी मिठाई है मगर वो किनारे किनारे आए, उनको कोई खरीदेगा तो है नहीं। या तो उसको इमरती में भर लेता है या फिर या उससे गुजिया वगैरह बना लेता है या मीठे समोसे बना देता है, आपने देखा होगा ना, उसमें ले लेता है उस चीज को। ये वन प्लस वाले करते हैं भाई, वन प्लस लाइट में डिस्प्ले कोई की कोई लगा देंगे, जिसमें एमोलेड लगानी हो उसमें एलसीडी ठूस देंगे और जिसमें एलसीडी लगानी हो उसमें एमोलेड लगा देंगे, बाद उसे लाइट कह के बेच देंगे। कुछ का कुछ सामान कभी कहीं लगाओ, कुछ का कुछ पार्ट्स कहीं दे रखे हैं, कहीं चार्जिंग आईसी, कहीं रिपेयर करने वालों को थोड़ा पता होता है इसके बारे में, तो लाइट को आप लाइट ही रखो, ठीक है, उसे खरीदना मत। इनकी जब ये अकल ठिकाने आएगी, जैसे इन लोगों ने अभी ये डिस्प्ले में जो घपला कर रखा है, जिस कंपनी से इन लोगों ने हल्के हल्के डिस्प्ले खरीदवा के पब्लिक में ये फोन बेचे हैं, तो इनको अभी के टाइम पे साइड करना, इस सेल में खरीदना ही मत। इस सेल में नहीं खरीदोगे ना, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी भाई साहब, ठीक है। देखो X6 Pro के बारे में आपको बताता हूँ, ये अगर आपको 17-18 हज़ार रुपये में सेल में मिल जाता है ना, तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो मैंने टिप्स बताई है वो याद रखना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।